हिस्ट्री में पहली बार रियल मूवीज एंड कॉमिक बुक में दिखाए गए फिक्शनल वर्ल्ड रियलिटी में चेंज होने वाला है। मार्वल की मूवीज एंड कॉमिक बुक में डिस्कस किए गए अफ्रीका में मौजूद इस ब्यूटीफुल सिटी को ब्लैक पैंथर के फैंस ने काफी पसंद किया, जिसमें वकांडा सिटी के स्ट्रॉन्ग कल्चर और यूनिक डिजाइन को काफी ब्यूटीफुली शो किया गया है। और ऐसे इंप्रेसिव सिटी को देख सभी मार्वल फैंस, मेरा तो यही कहना था कि काश ऐसी सिटी रियली में हमारे प्लेनेट पर मौजूद होती, जिसकी क्रिएशन का क्रेडिट मार्वल के जीनियस माइंड स्टैनली को जाता है। भले ही मूवीज में शो किए गए ऐसे प्लेसेस कितने भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, ऐसी चीजों को बनाना वर्ल्ड के कुछ पावरफुल एंड वेल्दी लोगों के ही बस की बात है। बट नाउ वन रिवोल्यूशनरी रिच रैपर अपने मल्टी बिलियन डॉलर बजट की मदद से मूवीज एंड कॉमिक वर्ल्ड के वकांडा को रियलिटी में चेंज करने वाले हैं, जिसे एकॉन एक अमेरिकन सिंगर एंड एंटरप्रेन्योर ने सोलर सिटी का नाम दिया है। एकॉन का सोलर सिटी बनाने के पीछे का मेन मोटिव है अफ्रीकन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसकी वजह से वकांडा यानी कि सोलर सिटी प्लैनेट अर्थ पर कौन सी स्पेशल जगह पर बनाई जाएगी, उस जगह का नाम गैस करना काफी इजी है। अफ्रीकन इकोनॉमी की मदद करने के साथ एकॉन सोलर सिटी को बिलर्ड ब्लैक पैंथर चैडविक बोजमैन की ट्रिब्यूट में बनाना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, सोलर सिटी के बनने के बाद रियल लाइफ वकांडा कैसा होगा? भले ही सोलर सिटी को बिल्ड करने की प्लानिंग काफी समय से चल रही है, बट सोलर सिटी एके एकॉन सिटी का 3D मॉडल इंटरनेट पर ऑलरेडी मौजूद है। सो लेट्स टेक अ टूर कि आखिर रियल लाइफ यूटोपियन मेगा सिटी मूवी में शो की गई वकांडा सिटी से कितना सिमिलर होगा। बट बिफोर दैट, ऐसे ही स्मार्ट सिटी के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे स्टारबेस सिटी नाम दिया गया है, जिसे वर्ल्ड के बिलव्ड बिलियनर इलॉन मस्क ने बनाया है। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज चेक इट आउट। ऑनलाइन पब्लिश किए गए एकॉन सिटी के 3D मॉडल को देख ये आइडिया लगाना काफी इजी है कि मूवी में शो की गई वकांडा सिटी के फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ एकॉन सिटी यानी कि सोलर सिटी बनाने में अच्छे से ख्याल रखा गया है, जिसे जस्ट वेल्दी लोगों के लिए या फिर जस्ट टूरिस्ट के लिए एक्सक्लूसिव नहीं बनाया जाएगा। एंड इस मेगा सिटी को बनाने का प्लान बनाने वाले एकॉन कहते हैं कि वकांडा गोल्डन सिटी प्लैनेट अर्थ पर बनने वाली सभी स्मार्ट सिटीज का फर्स्ट एग्जांपल होगा, जो इस तरह की सिटीज के आसपास रहने वाले लोगों को ओवर द ईयर अल्टीमेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहेगा। ऐसे स्मार्ट सिटी का पहला विजिट यदि आपको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो आप क्या कहेंगे? यूनिक, राइट? शेयर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एकॉन सिटी को यूनिक बनाने वाली चीजों में से एक है ऐसे अनयूजुअल बट इंटरेस्टिंग बिल्डिंग डिजाइंस, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में जस्ट शोकेस करने के लिए तो होते हैं, बट एकॉन सिटी में ऐसा नहीं है। एकॉन सिटी की 3D मॉडल में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, एकॉन उन सभी बिल्डिंग्स या फिर डिजाइंस को अपनी स्मार्ट सिटी में रियली में बिल्ड करेंगे, जिसके रिस्पॉन्सिबल हैं हसन बकरी, एकॉन सिटी के लीड आर्किटेक्ट, जिन्हें इस तरह के स्कल्पचर डिजाइन की इंस्पिरेशन वकांडा सिटी के ओरिजिन कंट्री अफ्रीका से मिली है, जिसे एकॉन अपनी स्मार्ट सिटी में एवरीवेयर एक स्पॉटलाइट की तरह शोकेस करना चाहते हैं। इवन सोलर सिटी की प्लानिंग के समय एकॉन ने अपने सभी आर्किटेक्ट को ऐसे बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाने को कहे थे जो दिखने में किसी स्टैचू की तरह दिखाई दें। ऐसे स्कल्पचर या फिर स्टैचू जो अफ्रीका के विलेजेस में रहने वाले लोग अपने हाथों से बनाया करते हैं, जिसे देख कोई भी टूरिस्ट अपने घर ले जाने के बारे में एक बार तो जरूर सोचता है। एकॉन सिटी में ऐसे डिजाइन की मदद से वेरियस होटल्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल सेंटर, कैसीनो, मूवी थिएटर, पुलिस स्टेशन, पार्क, शॉपिंग सेंटर के साथ एकॉन सिटी का पर्सनल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। एंड एक बार कंप्लीट होने के बाद अफ्रीका का ऐसा दिखाई देने वाला एरिया ओनली अफ्रीका में ही नहीं, बल्कि अपनी मैग्निफिशेंट इनोवेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। और एकॉन सिटी की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एकॉन सिटी में अप्रॉक्स 3 लाख से भी ज़्यादा लोग इजिली रह सकेंगे, जिसके लिए एकॉन अपने सोशल मीडिया की मदद से अपने फ्यूचरिस्टिक सिटी में आने वाले सभी लोगों का ऑलरेडी वेलकम कर चुके हैं।
इस तरह के फ्यूचरिस्टिक सिटी की डिटेल्स पब्लिक होते ही वर्ल्ड के बहुत से मार्वल फैंस ने एकॉन सिटी में मौजूद ग्लास और स्टील की मदद से प्लान किए गए बिल्डिंग्स को काफी पसंद किया। वहीं वर्ल्ड के बहुत से लोगों ने एकॉन सिटी के ऐसे स्ट्रक्चरल डिजाइन को काफी क्रिटिसाइज किया। बट वाई? वेल, बिकॉज अफ्रीकन क्लाइमेट वर्ल्ड में किसी भी जगह से काफी ज्यादा ड्राई और हॉट माना जाता है। इसीलिए यदि एकॉन रियली में अपने फ्यूचर सिटी को अपनी सिटी के 3D मॉडल की तरह बिल्ड करेंगे तो मॉडल में शो किए गए बिल्डिंग्स में लगी बिग विंडोज अफ्रीका का चैलेंजिंग क्लाइमेट एकॉन सिटी में रहने वाले लोगों के लिए काफी अनकंफर्टेबल बना देंगी। बट थैंकफुली एकॉन सिटी की इस परेशानी का सॉल्यूशन ऑलरेडी फाइंड कर लिया गया है। That is air conditioning, but obviously Wakanda की तरह ही यूनिक एयर कंडीशनिंग, ऐसे AC जो एकॉन सिटी के क्लाइमेट कंट्रोल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिकॉज एकॉन सिटी में ऐसे AC इस्तेमाल किए जाएंगे जो सोलर एनर्जी की मदद से बने इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करेंगे। इवन एकॉन सिटी में AC ही ऐसे पावर सोर्स का यूज नहीं करेगा, बल्कि एकॉन सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से ही मिलेगी जो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा ट्रांजिशन किसी नॉर्मल सिटी के लिए पूरी तरह से मॉन्यूमेंटल चैलेंज हो सकता है, बट नॉट फॉर वकांडा। और इस तरह के चैलेंज को सिंगर एकॉन से कोई भी ज्यादा बेटर तरह से नहीं समझ सकता, बिकॉज एकॉन वर्ल्ड के फेमस सिंगर होने के साथ सोलर एनर्जी के एक्सपर्ट बताए जाते हैं, जो ऑलरेडी अफ्रीका को अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एकॉन लाइटनिंग अफ्रीका की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही रीजंस की वजह से वकांडा या फिर एकॉन सिटी या फिर सोलर सिटी का विजुअल डिजाइन और मैकेनिक्स इतना इंप्रेसिव लगता है। बट अभी तक हमने एकॉन सिटी के मोस्ट इंप्रेसिव फीचर के बारे में डिस्कस नहीं किया है। बट उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड हेल्पिंग अस टू अचीव आवर फर्स्ट माइलस्टोन। और यदि आप इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं थे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। हमारी कंट्री से कम्प्लीट डिफरेंट वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, जिसकी मदद से नाउ सोसाइटी कैश की जगह अपने क्रिप्टो करेंसी पर अपना GDP बनाएंगी। इसी आइडिया को एकॉन ने अपनी स्मार्ट सिटी में इम्प्लीमेंट किया है। इवन एकॉन की फ्यूचरिस्टिक सिटी पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी की मदद से चलाई जाएगी, जिससे पूरी इकोनॉमी क्रिप्टो करेंसी की मदद से बनाई जाएगी, जिसे नाम दिया गया है एकॉइन, जिसे अगेन क्रिटिसाइज करने के लिए वर्ल्ड के कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठाई। बट फॉर्मर सिंगर एंड नाउ अ जेन्युइन बिजनेसमैन अपने आइडियाज की मदद से सेनेगल में रहने वाले लोगों के लिए फ्रीडम और बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एकॉन के अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन नॉट जस्ट अफ्रीका के लिए बट वर्ल्ड की अदर कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए एक तरह से सेवियर का काम कर सकता है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में काला धन जैसी कोई चीज नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अपने पैसों का सही इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं, जो उनके लिए और उनकी कंट्री के लिए अच्छे दिन लाने में काफी मदद कर सकता है। एंड अफ्रीका में ऐसे चेंजेस को काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट सपोर्ट एकॉन के ऐसे आइडियाज को रियलिटी में चेंज करने के लिए काफी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वर्ल्ड के टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कंट्री की लिस्ट में 50% से ज्यादा नाम जस्ट अफ्रीका में ही मौजूद हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ टाइम में अफ्रीका के लोग नियरली $2 trillion स्पेंड करने वाले हैं। इस तरह की बड़ी स्पेंडिंग के साथ ही अफ्रीका की नियरली 60% पॉपुलेशन बिलो 25 इयर्स ओल्ड है, जो किसी भी तरह का ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते। साथ ही अफ्रीका की ये यंग जनरेशन अपने डेली कामों को करने के लिए मोस्टली अपने मोबाइल फोन्स पर ही डिपेंड रहते हैं, जो एकॉइन की सक्सेस को काफी इजीली पॉसिबल बना सकता है। एंड इस तरह का आइडिया एकॉन सिटी के बनने के बाद जब टेस्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली कंट्री में स्पेंड किया गया पैसा कंट्री के लोगों को ही बेनिफिट देगा, जिसे कोई भी पब्लिक की नजरों से बचाते हुए अपनी पॉकेट में नहीं रख सकेगा। बट एकॉन को इस तरह का आइडिया कैसे आया? वेल, एकॉन का बर्थ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, बट उन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर समय वेस्ट अफ्रीका के सेनेगल में स्पेंड किया था, जो 7 years के होने के बाद अपनी फैमिली के साथ वापस यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद न्यू जर्सी आ गए, जहां पर एक सक्सेसफुल सिंगर बनने के बाद एकॉन हमेशा से ही सेनेगल वापस जाकर अपनी कंट्री को
फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो करते हुए देखना चाहते थे। एंड सून फाइनली अपनी सिंगिंग करियर की मदद से $80 million का नेटवर्थ बनाने के बाद एंड इंडस्ट्री में अवेलेबल बेस्ट इन्वेस्टर्स के साथ अपनी जान पहचान बनाने के बाद फाइनली एकॉन ने अपने ड्रीम्स को सच करने का पहला स्टेप लिया, जिसके बाद नाउ एकॉन मूवीज में शो किए गए फ्यूचरिस्टिक सिटीज को बनाने का प्लान बना चुके हैं, जिसे पूरे वर्ल्ड में मौजूद मार्वल के फैंस ने अवार्ड विनिंग मूवी ब्लैक पैंथर फिल्म में काफ़ी पसंद किया था। इस तरह के इंस्पिरेशन एंड डिज़ाइन के आइडिया को एकॉन ने अपनी द एकॉन सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन करते हुए अपने मेगा सिटी को द रियल लाइफ वकांडा कहते हुए डिस्क्राइब किया है, जिसका रीज़न है एकॉन सिटी और वकांडा के सेम तरह के स्काईस्क्रेपर्स एंड यूनिक डिज़ाइन की मदद से प्लान किए गए बिल्डिंग्स, जिसे $6 billion के बजट की मदद से शुरुआत से बनाया जा रहा है। एंड इस तरह के बड़े बजट के होते हुए किसी भी मेगा सिटी मीनिंग हाईटेक साइफाई मूवीज में शो की गई सिटी को बिल्ड करना कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं कहा जा सकता, जिसका बेस्ट एग्जांपल है दुबई में बनाया गया पाम ट्री की तरह दिखाई देने वाला मैनमेड आइलैंड कॉल्ड पाम जमेरा। सो आपका क्या ओपिनियन है ऐसे रियल लाइफ वकांडा सिटी के बारे में? शेयर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।